Education were possible as far as Article 3 is concerned, then that reading should be preferred, which would be in keeping with the principles of federal. I'm only on the Reorganization Act now. The bill for reorganization is presented by the president, tabled in the Rajya Sabha, passed by Rajya Sabha on the 5th of August. Constitution ke Article 3 ke bare mein aap jante hi hain. Article 3 of the Constitution addresses the formation of new states as well as any changes or modifications to existing states' names, boundaries or areas. Ye article parliament ko authority deta hai to change the area, boundaries or names of existing states in accordance with the law. Lekin kya Article 3 ke under ek state ko union territory mein degrade karna permissible hai? ऐसा ही एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आकर खड़ा हो गया ऑन इट्स डे 8 ऑफ द हियरिंग. सीनियर एडवोकेट चंदेर उदय सिंह, पिटिशनर्स इंद्रजीत टीकू, कश्मीरी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट सतीश जैकब एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर MY कारीगामी को रिप्रेजेंट करते हुए आर्ग्यू करते हैं ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. फॉर द इंफॉर्मेशन, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2019 को अगस्त 9, 2019 को असेंट मिल गया था एंड इट बाइफर्केटेड जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, विद द फॉर्मर रिटेनिंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. सीनियर एडवोकेट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स इसी बात पर लिमिटेड रखे. साथ ही उन्होंने स्टेट किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, दैट इज द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO-272 वॉइड है. उनका कहना था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO-272 ने आर्टिकल 367(4)(d) को ऐड किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर में लागू करता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस. क्लॉज डी को और एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने सबमिट किया दैट द रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट इन आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 373. ये सबमिट करने के बाद सिंह अपने प्राइम कंटेंशन पर आ गए, जहां पर उन्होंने कहा कि क्या आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन को ऑथराइज करता है टू पास अ बिल जिसने स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बताते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के 18th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 3 को अमेंड कर दिया था टू ऑल्सो इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट द यूनियन टेरिटरीज, लेकिन ये 18th अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था ऑन 5th ऑफ अगस्त 2019. इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का नेचर ऑल्टर नहीं किया जा सकता. ही स्टेटेड आर्टिकल 3 वाज नॉट अमेंडेड टिल द 18th अमेंडमेंट व्हेन दोज टू एक्सप्लेनेशंस वर इंसर्टेड. नाउ द एक्सप्लेनेशंस हैव बिकेम द टेल व्हिच इज ड्रैगिंग द डॉग. नाउ एनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3. दिस फिक्शन दैट यू कैन कन्वर्ट अ स्टेट इनटू यूटीज वाज नेवर अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सिंह ने आर्टिकल 3 के कंटेक्स्ट में दो टर्म्स का यूज किया, इंटरचेंज एंड कन्वर्ट. उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 3 स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता है. ही एड्स, इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 3 व्हिच अलाउड फॉर अ स्टेट टू बी कन्वर्टेड टू अ यूनियन टेरिटरी इज अपहेल्ड, देन इट इज द थिन एज ऑफ द वेज फॉर डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म एंड द कंट्री एज अ होल, बिकॉज देन एनी पार्टी एट द सेंटर which also happens to be a party in a given state can just convert the state by a simple majority in the state legislature and simple majority in parliament. Parliament ke paas aisi koi bhi vested power nahi hai to degrade the constitutional status of a state to a union territory. Unke in sare submissions ke baad Chief Justice of India ne unse pucha, is the conversion of a state into union territories severable from the abrogation of article 370? Singh replied, The two are completely separate. ये समझाने के लिए कि स्टेट को यूटी में डिग्रेड नहीं कर सकते, सिंह ने बेंच को इंडिया में यूटीज के फॉर्मेशन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया. इसके लिए उन्होंने रिलाई किया अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935 और बताया कि उस समय में यूनियन दो हिस्सों में डिवाइडेड था, गवर्नर्स प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. इन दोनों एक्ट में आर्टिकल 3 के मिररिंग प्रोविजंस को रेफर करते हुए उन्होंने दावा किया कि पावर्स का उपयोग केवल बाउंड्रीज के अल्टरेशन के लिए किया गया था एंड नो वन क्लेम्ड दैट द गवर्नर जनरल हैड द अथॉरिटी टू चेंज अ गवर्नर्स प्रोविंस इनटू अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. इसी के साथ इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट्स तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी.
पार्ट ए ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट बी में एक्स प्रिंसली स्टेट्स शामिल हैं जो इंडिया के साथ जुड़ी और उनके राज प्रमुख थे, उनकी देखरेख यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती थी, पार्ट सी डायरेक्टली यूनियन द्वारा मैनेज किया जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पार्ट डी स्टेट में आए थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में गवर्न होते थे अंडर द एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935। क्योंकि ये अरेंजमेंट फिजिबल नहीं था तो प्रपोज किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट सी स्टेट को मर्ज कर देना चाहिए विद अदर स्टेट्स, और जो स्टेट्स किसी स्ट्रेटेजिक या बाकी कंसिडरेशंस की वजह से मर्ज नहीं हो पाए उन्हें टेरिटरी ट्रीट किया जाए, और इसीलिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ एंड इट रिमूव्ड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन स्टेट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटीज। जब यूनियन टेरिटरीज डेवलप हुई उन्होंने स्टेट का दर्जा ले लिया। सिंह सेड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड हिस्टोरिकली। बाय 4th ऑफ अगस्त 2019 देयर वर 7 यूटीज लेफ्ट इन इंडिया। ऑल अदर यूटीज वंस दे बिकेम वायलेबल यूनिट्स दे वर कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ आर्टिकल 3 को ज्यादातर सेल्फ गवर्नेंस के लिए यूज किया गया था बाय मेकिंग न्यू स्टेट्स। ही स्टेटेड हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल्स 3 एंड 4 इमिनेटिंग फ्रॉम 1919 एंड 1935 एक्ट्स शोज दैट द पावर टू ऑल्टर बाउंड्रीज चेंज नेम्स एक्सेट्रा वाज ऑलवेज यूज्ड टू इंक्रीज सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। देयर वाज नो केस ऑफ रेट्रोगेशन। टुडे देयर आर ओनली 6 यूटीज इफ यू कीप असाइड जम्मू एंड कश्मीर। Even Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have been merged into one in 2020. They have been made into one UT. These small non-viable territories have remained, which are not viable as states. Singh ne suggest kiya ki agar state ko union territory mein convert karna hi hai, to ye sirf Article 368 of the Indian Constitution ke tahat hi ho sakta hai. इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा, सो इट वुड रिक्वायर बोथ स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% स्टेट्स फॉर लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर बोथ। द एक्सरसाइज व्हिच हैज बीन डन इज वन व्हिच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 3, इवन इफ इट इज वाज राइटली डन, दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 3। द स्टेट कम्स विद प्रॉपर्टी, लैंड्स, कंसोलिडेटेड फंड्स, राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। इट हैज एब्सोल्युटली sacrosanct powers under Article 73 read with Article 2. Convergent के effect को highlight करते हुए सिंह ने बाकी constitutional provisions पर क्या असर पड़ा ये भी बताया। पहला, Article 246 की legislative powers read with 7 schedule जो जम्मू एंड कश्मीर में apply होता था वो effect हुआ जब powers state से center को transfer कर दी गई। Second, state के पास जो executive powers थी under Article 162 concerning list 2 and 3 was also reduced. Third, Article 73 जो कहता था कि union state list की powers को use नहीं कर सकता, वो भी बदल गई। इस पे concern raise करते हुए he said, by a simple ordinary majority and Article 3, all these constitutional rights, many of which are a part of the basic structure of the constitution, are wiped out. इसीलिए conversion सिर्फ आर्टिकल 368 के अंडर हो सकता है। तो ये थे एडवोकेट सीयू सिंह के आर्गुमेंट्स ऑन डे 8 बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब ये कितने सही है और कितने गलत ये तो वक्त ही बताएगा। टू नो मोर अबाउट आर्टिकल 370 फॉलो लॉ चक्रा।